गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट। अभी मैं आने वाले मंथ के अंदर निफ्टी का व्यू क्या रहेगा जून के अंदर, और अभी रिमेनिंग डेज ऑफ द मंथ मैं आपको बताऊंगा। अभी तो देखो, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इस मंथ के अंदर एक दिन का ट्रेडिंग सेशन बच गया है। अभी तो 29 तारीख है आज, और कल 30 तारीख 31 तारीख को छुट्टी है। दूसरी बात ये कि आज शाम को जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, 5:30 बजे जीडीपी के आंकड़े आ जाएंगे। और अभी मार्केट अपना क्लोज हुआ है 9490 के लेवल। अपने लास्ट मंथ में भी देखा होगा कि मार्केट ने लास्ट दो दिन के अंदर ही तेजी कर दी। इसके पहले भी मंथ का आपने देखा है मार्च के अंदर, मार्च अप्रैल और मई, दो दिन के अंदर ही मार्केट ने मूवमेंट किया है तीनों मंथ में। अभी बैंक निफ्टी जो 17000 के लेवल पे चल रहा था, 17100 के लेवल पे दो दिन पहले, वो अभी कल बैंक निफ्टी ने 19450 का लगभग हाई बनाया। उधर से बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 19169 पे। अभी फिलहाल तो मार्केट अभी इस लेवल पे क्लोज हुआ है। अभी मुझे लग रहा है इधर से शायद अभी आज तो एडजस्ट निफ्टी देखो अभी 9400 पे चल रहा है अभी फिलहाल, यानी कि हमारे क्लोजिंग से 90 पॉइंट नीचे। तो अभी आने वाले दिनों में मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है, कैसे रिएक्ट कर सकता है, मैं आपको ये सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर मार्केट ने आज 9490 यानी कि जो 9490 के ऊपर का 9498 का हाई है, लगभग 9500 ही पकड़ लो, 9500 का लेवल अगर उसके ऊपर आज क्लोज नहीं दे दिया मार्केट ने, तो मार्केट इधर से जाएगा। पहला मेरा सपोर्ट रहेगा, बाकी मैं सपोर्ट देखता नहीं हूँ। पहला मेरा सपोर्ट है 8802.50, जो मैंने बहुत लोगों को दिया था 8802.50, ये मेरा पहला सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी के अंदर मेरा सपोर्ट अभी रहेगा जो लो था, पहला लो 17140 पकड़ लो, 17140 और 8800, ये दोनों इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे, 17140 8802.50। अगर ये लेवल मार्केट के अंदर टूटते हैं जिस दिन, तो उधर से मार्केट पहले वाला जो लो है निफ्टी उस लो की तरफ बढ़ेगा 7500 की तरफ, वो तोड़ने के लिए। और बैंक निफ्टी तो क्या 16500, बैंक निफ्टी तो देखो निफ्टी के करीबन, निफ्टी अगर 7500 के लेवल पे आ जाएगा तो अभी बैंक निफ्टी इधर से इस लेवल से कम मुझे तो दिख रहा है नीचे पे 12-13000 का लेवल मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर 7500 बैंक निफ्टी निफ्टी जाएगा तो। क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले बहुत वीक है, वीक इस लेवल पे। अगर मार्केट को बढ़ना है तो बैंक निफ्टी को लीड करना पड़ेगा, ये तो बैंक निफ्टी अकेली लीड नहीं कर सकती इस मार्केट को। तो अभी इस लेवल पे मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो टारगेट लेके चल रहा हूँ 8050, और बैंक निफ्टी के अंदर 15000 का टारगेट है, मेरा फिक्स टारगेट है। अगर क्लोजिंग आज कल के डे हाई के ऊपर से क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट सीधा बढ़ेगा इस लेवल पे 8050 और 15000, ये लेवल मेरा नोट करके रखो। कोई भी डायरी में ओपन चैलेंज बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ ओपन चैलेंज बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि घुमा फिरा के बातें करना, मेरे माइंड में नहीं घुमा फिरा कर बातें करने का, जो बोला वो बोला। अभी अगर आज का कल का हाई नहीं तोड़ेगा मार्केट मे मंथ के अंदर का, तो मार्केट नीचे ही जाएगा, नीचे और नीचे, नीचे 8050 तक और बैंक निफ्टी 15000 तक। अगर कल का हाई और निफ्टी का और बैंक निफ्टी का उसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आ गया तो मार्केट गया, मार्केट फिनिश। चलो इतना ही हुआ है मेरा, बाकी मैं जो इंटरडे में एनालिसिस करता रहूँगा वो तो करता ही हूँ। अभी 10 बजे मैं फिर फेसबुक पे ऑनलाइन आ रहा हूँ, फेसबुक पे जुड़ो, बहुत लोग जुड़ो फेसबुक के ऊपर, मैं लाइव मार्केट में एनालिसिस करूँगा, कौन सा ट्रेड होगा तो मैं आपको बताऊँगा क्या करना है कैसे करना है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड ले लो और प्रॉफिट कमाओ, बाकी कुछ नहीं। यही मेरा अपडेट था, बाकी मेरा कुछ भी अपडेट नहीं। जो भी मेरे लेवल्स रहेंगे पोजिशनली मैं तो काम करता हूँ, मैं अभी जो इंट्राडे में करता हूँ तो इंट्राडे भी बता दूंगा हर दिन में, और जिन जिन लोगों को जुड़ना है तो 10 बजे मैं फेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ। लाइव मेरा अपना लिंक भी देखो, फेसबुक का लिंक भी दे देता हूँ मैं इस वीडियो के नीचे, तो उसमें जुड़ जाओ। 10 बजे फुल ऑनलाइन शो करने वाला हूँ मैं, कम से कम आधा घंटा पौन घंटा में शो करूंगा। चलो ठीक है, मिलते 10 बजे फेसबुक पे लाइव पे।